अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम अपनी रेसिपी में बनाने वाले हैं कैपेचिनो कॉफ़ी। और ये जो कॉफ़ी है ना, अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में लेते हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। लेकिन आज मैं ना आपको वो 10 रुपए की जो कॉफ़ी मिलती है ना, इंस्टेंट कॉफ़ी, वो आप ले आएँ। बस उससे आसानी से आप बना सकते हैं इतना मज़े का। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच कॉफ़ी। तो जिस चम्मच से मेजर कर रहे हैं बस उसी चम्मच से सब हमें मेजरमेंट करना है। और इसी चम्मच से हमें चाहिए 2 चम्मच चीनी। तो 2 चम्मच कॉफ़ी, 2 चम्मच चीनी और फिर 2 चम्मच हमें पानी चाहिए। तो ये जो पानी मैं डाल रही हूँ ना, ये हल्का गुनगुना पानी है, हल्का गर्म पानी है। और ये तीनों को डाल के हमें और कुछ नहीं डालना, बस यही तीनों से हमारा कैपेचिनो बनने वाला है। और अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये हैंड विस्कर में ली हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखिए हैंड विस्कर से कर रहे हैं। अभी आप क्वांटिटी देख रहे हैं उसका, वो इतना कम है, लेकिन अभी ना पूरा कटोरी भर जाना है उसे अच्छे से विस्क करते करते। तो इसमें ना टाइम लगता है 8 से 10 मिनट। तो चलिए तब तक मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ यहाँ का व्यू कैसा है। तो अभी ना कुछ देर पहले यहाँ पे बहुत बारिश हुई है, ठंड काफ़ी बढ़ा दिया गया है, बढ़ गया है, बढ़ा दिया गया मतलब बढ़ गया है। और सब यहाँ पे आग जला के हम लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि सही सलामत बच जाए इस ठंड में। और अब ये देखिए फिर से मैं अपनी रेसिपी की तरफ आ गई हूँ। तो अभी तक मैं कंटिन्यू इसे कर ही रही हूँ क्योंकि अभी तक ये हुआ नहीं है, जिसे जिस तरीके का हमें फॉर्म चाहिए ना उसकी, वो अभी हुआ नहीं है। तो इसे कंटिन्यू हमें लाइट कलर तक करना है। तो ये देखिए हो चुका है हमारा जो कलर है ना, वो लाइट हो चुका है और हमें बस इसी फॉर्म का चाहिए। तो मैं आपको ना एक चम्मच की मदद से दिखाती हूँ इसे हिला के नीचे करके पलट के। ये गिर नहीं रहा है तो इसका मतलब ये परफेक्ट है, हमें इसी टाइप का चाहिए था इसका फॉर्म। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। तो हमें चाहिए यहाँ पे हॉट मिल्क, गर्म दूध चाहिए। और उसके बाद हम ये डाल देंगे कैपेचिनो का मिक्सचर और अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे। आप अपने घर पे बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, इतना मज़ा आता है ना पीने में इसे, आप घर पे ज़रूर ट्राई करिए। और अच्छे से हम इसे स्प्रेड कर लेंगे। और ऊपर से ना फॉर ऐसे ही डेकोरेशन के लिए मैं डाल रही हूँ चॉकलेट पाउडर। आपके पास नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं, बस ऐसा ही आप इसे बना लें और मिक्स करें और पिए। अगर कोई गेस्ट आएंगे तो अगर आप इसे दीजिएगा ना ये कैपेचिनो कॉफ़ी, उसे भी बहुत अच्छा लगेगा और आपकी तारीफ भी बहुत होगी कि रेस्टोरेंट जैसा घर पे आप मुझे कॉफ़ी पिला रहे हो। तो और वैसे भी ठंड चल रही है, तो चाय या कॉफ़ी मिल जाए तो फिर क्या कहना। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।